नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और किस चीज़ का है, इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक और नाविक रिक्वायरमेंट 2021 के लिए। क्या आपका जो नोटिफिकेशन है 2021 का वो जारी हो चुका है। एडवर्टाइजमेंट नंबर की अगर बात करें तो 1/2022 आपकी क्या एडवर्टाइजमेंट है, और इस भर्ती का बहुत सारे उम्मीदवार है वो बहुत ही बेसब्री से क्या इंतजार कर रहे थे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक और नाविक का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक और नाविक का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक और नाविक का आपका सिलेबस क्या होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक और नाविक की आपकी सैलरी क्या होगी, इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन का फीस का भुगतान कैसे करना है, कितनी फीस होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट हो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको वहाँ पे इसका ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है, ICG यांत्रिक नाविक GD और नाविक DV भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन है वो आज आपका जारी कर दिया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक यानी जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक 1/2022 बैच के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार ICG ने यांत्रिक नाविक जनरल ड्यूटी यानी GD एंड नाविक DB के 350 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 2 जुलाई से 16 जुलाई 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इंडियन कोस्ट गार्ड में इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक और नाविक वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक 1/2022 बैच ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आपकी आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन शुल्क क्या होगा, आवेदन कैसे करना है आदि के बारे में क्या विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो नाविक GD की पोस्ट है, जनरल की 108 पोस्ट है, इसमें OBC की 67 पोस्ट है, EWS के लिए 26 पोस्ट है, SC के लिए 19 पोस्ट है, ST के लिए 40 पोस्ट है। तो टोटल 260 पोस्ट आपकी नाविक GD की। अगर बात करें नाविक डोमेस्टिक के लिए यानी DM की, तो 23 पोस्ट है इसमें जनरल की, 17 पोस्ट OBC की, 5 पोस्ट EWS की, SC की 2 पोस्ट, ST की 3 पोस्ट और 50 टोटल आपकी पोस्ट है इसमें नाविक DM की। अगर बात करते हैं यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 8 पोस्ट जनरल की है, 6 OBC की है, 3 EWS की है, SC की कोई पोस्ट नहीं है, ST की 3 पोस्ट है, टोटल 20 पोस्ट है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की अगर बात करते हैं तो 6 पोस्ट आपकी जनरल की है, 4 पोस्ट आपकी OBC की है, 2 पोस्ट EWS की है, SC की कोई पोस्ट नहीं इसमें, 1 पोस्ट ST की है, तो टोटल 13 पोस्ट है। अगर बात करते हैं यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो 6 पोस्ट आपकी जनरल की है, OBC के लिए कोई पोस्ट नहीं है, EWS के लिए 1 पोस्ट है, ST के लिए कोई पोस्ट नहीं है, सॉरी SC के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ST के लिए कोई पोस्ट नहीं है, और टोटल अगर बात करें तो 7 पोस्ट है वो आपकी यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की है। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर बात करें ICG यांत्रिक और नाविक GD और DB के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आपकी योग्यता वो सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 गणित या फिर भौतिकी के साथ क्या उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है मैथमेटिक्स और भौतिकी से, तो आप कैच के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास हो तो आप नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हो। यांत्रिक के बारे में अगर बात करें तो यांत्रिक के लिए 10वीं कक्षा पास, साथ में आपके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन रेडियो या फिर पावर इंजीनियरिंग में क्या आपका डिप्लोमा होना चाहिए, यानी 10वीं पास तो आपके पास होना ही होना चाहिए, साथ में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो या पावर में क्या इंजीनियर में डिप्लोमा होना आपका अनिवार्य है। बात करते हैं आपकी आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष हो सकती है, मैक्सिमम आपकी 22 वर्ष हो सकती है। यानी नाविक GD की और यांत्रिक के लिए अगर बात करें तो 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 जनवरी 2004 के बीच जिन भी उम्मीदवारों का जन्म हुआ है वो इस भर्ती के लिए क्या फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अगर बात करें तो जिन उम्मीदवारों का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2004 है वो क्या है, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक और नाविक GD
की वैकेंसी है उसकी बारे में इंपोर्टेंट डेट क्या क्या है। तो आईसीजी यांत्रिक नाविक जीडी और डीबी का आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो कब से शुरू हो रहा है, 2 जुलाई से। लास्ट डेट क्या आपकी 16 जुलाई। फीस जमा करवाने की लास्ट डेट क्या आपकी 16 जुलाई। एग्जाम डेट क्या होगी आपकी सितंबर 2021 में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड है वो आपका सितंबर 2021 में जब आपका एग्जाम होगा उससे 2 या 3 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी किया जाएगा। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो अनरिजर्व यानी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये फीस की गई है। एससी और एसटी के लिए आपकी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो फॉर्म भरा जाएगा। जिन भी उम्मीदवारों की जो फीस लगेगी वो आपको उसका भुगतान ऑनलाइन करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप अपना भुगतान कर सकते हो। अब बारी आती है आपकी आईसीजी सिलेक्शन प्रोसेस यानी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक की जो भर्ती है उसका आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें आपका सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी आपको इन 4 चरणों से गुजरना है अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हो, चारों में कि आपको पास होना जरूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक और इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक की भर्ती का जो आपका एग्जाम पैटर्न है 2021 का वो क्या रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो सेक्शन फर्स्ट होगा आपका, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, इसमें ये आपका 60 नंबर का होगा। आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा और 60 ही आपके क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें सब्जेक्ट आएंगे 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 10 क्वेश्चन साइंस के, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और जीके के 5 क्वेश्चन। इसमें अगर पासिंग मार्क्स की बात करें तो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए 30 नंबर लेके आने 60 में से, अगर एससी और एसटी की उम्मीदवार है तो उनको 27 नंबर लेके आने। आपका जो सिलेबस का जो लेवल रहेगा यानी जो आपका एग्जाम का लेवल रहेगा वो आपका 10वीं के लेवल का आपका क्या एग्जाम होगा। अब बात कर लेते हैं सेक्शन दो में आपके क्या है नंबर होंगे, वो 50 नंबर का होगा, टाइम आपको 30 मिनट का दिया जाएगा, 85 नंबर होंगे। अगर इसमें बात करें कि मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपके जो नंबर लेके आने आपको 20 नंबर लेके आने हैं अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए और 17 नंबर लेके आने हैं एससी एसटी और कैटेगरी के उम्मीदवार उनके लिए। अब बात करते हैं आपका सेक्शन थर्ड में अगर बात करें तो 50 नंबर का होगा, ये 30 क्वेश्चन होंगे और 50 मिनट का 50 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से अगर पास होने के लिए ओबीसी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को 20 नंबर लेके आने हैं, अदर जो एससी और एसटी के उम्मीदवार हैं उनको 17 नंबर लेके आने हैं। आपका जो एग्जाम का लेवल रहेगा पेपर का वो रहेगा डिप्लोमा लेवल, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का आपका सिलेबस आएगा। अब बात करते हैं सेक्शन थ्री में अगर बात करें तो इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 85 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से संबंधित 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको पास होने के लिए 20 नंबर लेके आने हैं जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, 17 नंबर लेके आने हैं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। अगर बात करते हैं डिप्लोमा लेवल का आपका जो इसका सिलेबस होगा, जो पेपर का लेवल होगा वो होगा डिप्लोमा लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्या है सिलेबस आएगा। इसमें सेक्शन पांच की अगर बात करें तो इसमें 50 नंबर का आएगा, 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 50 क्वेश्चन होंगे। अगर बात करते हैं इसमें तो मैकेनिकल इंजीनियर से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर आपको क्या जो जनरल ओबीसी और अनरिजर्व के कैंडिडेट उनको नंबर लेके आने, कम से कम 17 नंबर लेके आने एससी और एसटी कैटेगरी को। तो डिप्लोमा लेवल का आपका क्या है इसमें सिलेबस आएगा, जो जिस भी ट्रेड से आपने क्या है इंजीनियरिंग कर रखी है। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। अब आ रही है आपका सिलेबस क्या रहेगा, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक और नाविक जीडी और डीबी का आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले बारी आती है जनरल इंग्लिश की, तो इसमें आएंगे एडियम एंड फ्रेज से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, सपोर्ट ऑफ द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेलिंग डिटेक्टिंग या फिर मिसस्पेल्ड वर्ड से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये आपका इंग्लिश का हो गया। बारी आती है आपकी मैथमेटिक्स सिलेबस, मैथमेटिक्स में क्या क्या आएंगे, नंबर सिस्टम, एचसीएफ और एलसीएम, परसेंटेज, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डीआई, एलजेब्रा, एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, मिक्सर एंड एलिगेशन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, टाइम एंड स्पीड और डिस्टेंस से संबंधित आपके जो बेसिक क्वेश्चन है वो ही आएंगे। आपको क्या बेसिक चीजें पढ़नी है, बिल्कुल बेसिक आपके क्वेश्चन आएंगे। अगर कोई प्रीवियस ईयर का पेपर मिलता है तो आपको एक पेपर है वो सोल्व भी करवाया जाएगा। अब आ जाती है आपकी जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा, तो जीके का सिलेबस रहेगा आपका हिस्ट्री, कल्चर,
साइंटिफिक रिसर्च, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन आएंगे। पेपर आपका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। अब आ रही आती है आपकी रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग के सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो प्रॉब्लम सीरीज, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वेन डायग्राम, एनालॉजी, सिंबॉलिक, नंबर एंड क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, फिगर सीरीज, ड्रॉइंग इंटरफेस सॉरी इन्फ्रेंस, एम्बेडेड फिगर्स और सिलोजिज्म से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। बात करते हैं फिजिक्स का सिलेबस क्या क्या आएगा आपका। तो फिजिक्स का आएगा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट यानी इंस्ट्रूमेंट से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। मॉडर्न फिजिक्स, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, ह्यूमन आइज से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। मोशन, ग्रेविटेशन, हीट, साउंड, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें एंड और नॉट, नॉर गेट से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। वेव एंड ओसिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें थर्मोडायनामिक्स से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। सॉलिड एंड फ्लूइड से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नीशियम जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से संबंधित आपकी क्या क्वेश्चन आएंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो इंडियन कोस्ट गार्ड फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपकी रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की, जो आपको 7 मिनट में क्या पूरी करनी है। 20 आपको स्क्वाड अप्स लगानी है, उठक बैठक लगानी है और 10 आपको पुशअप लगानी है। जब आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपका क्या है मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करें, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक और डीपी में आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगा उसमें क्या क्या आना चाहिए। तो हाइट आपकी क्या कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपकी क्या कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर फुलानी है। वेट है वो ऊंचाई और उम्र प्लस में 10% स्वीकार्य करने के लिए अनुपातिक होना चाहिए। आपका सुनने की क्षमता वो सामान्य होनी चाहिए। देखने की यानी विजुअल स्टैंडर्ड वो बेहतर आंखों के लिए 6/6 और सबसे पूरी कमजोर यानी कम से कम आपकी क्या 6/9 है वो आई विजन होना चाहिए। टैटू शरीर के किसी भी हिस्से पर स्थायी शरीर की टैटू की अनुमति नहीं है। अगर आपके बॉडी पर टैटू है तो उसकी अनुमति नहीं होगी, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या होगी। तो इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक और इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक की आपकी सैलरी के बारे में अगर बात करें तो नाविक की जो जेडी की सैलरी है वो रहेगी आपकी पे स्केल थर्ड लेगा। इसमें आपका बेसिक पे वो 21,700 रुपये प्लस में आपको क्या महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए पे लेवल आपका थर्ड रहेगा, पे स्केल आपका 21,700 रुपये प्लस भी आपको महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यांत्रिक के लिए अगर बात करें तो यांत्रिक के लिए आपकी क्या है पे लेवल 5 लगेगा, बेसिक पे आपका 29,200 होगा, साथ में आपको 6,500 रुपये एक्स्ट्रा यानी आपका जो यांत्रिक पे वो दिया जाएगा और साथ में आपको क्या है जो महंगाई भत्ता वो मिलेगा। यानी बहुत अच्छी सैलरी है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसका क्या है अभी हाल ही में एक नया नोटिफिकेशन आया है इंडियन कोस्ट गार्ड की भर्ती का है, ये लेटेस्ट भर्ती ICG की। अगर आप योग्यता रखते हो, रुचि रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना है। और साथ में हमने डिस्कस किया है कि जो आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक का आपका सिलेबस क्या होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक DB का आपका सिलेबस क्या होगा, ICG यांत्रिक का आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, ICG की सैलरी क्या होगी, ICG यांत्रिक का आपका सिलेबस क्या होगा, ICG नाविक GD और DB की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी सारी बातें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको बेल आइकन दिखा उसका आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।